दोस्तों, अगर आप एक अकाउंटेंट हो या फिर प्रेजेंट टाइम में कोई अकाउंटिंग कोर्स सीख रहे हो, तो जितना टाइम आप किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को टेली या बीजी सीखने को देते हो, तो उसके बराबर उतना ही टाइम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को भी देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सारा काम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कंप्लीट नहीं होता। तो इसके साथ साथ में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की भी हेल्प बहुत ही जरूरी है। जितना काम हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कर सकता है, उतना काम हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता। तो दोस्तों, विशेषकर अकाउंटेंट लोगों को तो एक्सेल आना बहुत ही कंपलसरी है। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक फॉर्मूले और फंक्शन के बारे में। जो फॉर्मूला हमारे रहने वाला है वो है टोटल का और सब टोटल का। और फंक्शन की हम बात करें तो शॉर्ट एंड फिल्टर का फंक्शन का हम यूज किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को प्रैक्टिकल बनाने के लिए मेरे पास है पूरे साल का GSTR 2A का रिकॉर्ड। तो अब हमें इस एक्सेल के जरिए ये देखना है भी हमें किस किस सप्लायर के द्वारा कितना कितना ITC हमें मिला है, और टोटल ITC कितने, और पार्टी वाइज सप्लायर वाइज कितना कितना ITC हमारे पास है, ताकि हम हमारे बुक्स के साथ टैली या बीजी सॉफ्टवेयर के साथ इसको इजीली टैली कर सकें। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विशेषकर एक फ्रेशर अकाउंटेंट के लिए, क्योंकि आपको बेसिक एक्सेल का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इसके ज़्यादा और बेसिक के डीपली नॉलेज लेना चाहते हो, तो हमारे चैनल पर आपको एक्सेल के बेसिक वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हो, एक्सेल की प्लेलिस्ट को आप ओपन कर सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल फॉर्मूला की, यानी कि टोटल। अब टोटल के लिए हम चलते हैं शीट नंबर 3 को, इस और को, ताकि हमारा शीट 1 आपको तभी समझ पाओगे अगर हम शीट नंबर 3 के छोटे से रिकॉर्ड को अगर हमने समझ लिया, तो ये हमारा शीट 1 का भी रिकॉर्ड हमें ईजी समझ में आ जाएगा। तो अब सबसे पहले हम सब जो भी फंक्शन लगे, मैं एक बार इस पर हटा देता हूँ इसको मैं। अब हमारे पास कुछ इस तरीके का एक रिकॉर्ड है। पहले कॉलम के अंदर हमने सीरियल नंबर लिखा हुआ है, फिर हमने नेम दे दिए ABCAA कुछ करके, और ये इनके पॉइंट्स हैं। तो अब हम सबसे पहले लगाते हैं इसका टोटल, यानी कि टोटल पॉइंट्स हमारे पास कितने हैं। तो टोटल का हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, कॉलम देखना है और इसकी रो संख्या देखनी है। तो हमारा ये इतने का रिकॉर्ड का जो टोटल है हमारा यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम अलग अलग तरीके से इसका टोटल लगा सकते हैं। सबसे पहला तो हम यहाँ का क्या करेंगे, टाइप करेंगे इक्वल का निशान, सम टाइप करेंगे SUM, और उसके बाद ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ से इसकी रेंज बताएंगे भी टोटल कहाँ से लेके कहाँ तक का लगाना है। जैसा कि हमारा इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं भी, एफ हमारा रहने वाला कॉलम और रो संख्या हमारी रहेगी 3। तो यानी कि F3 को से लेके और कहाँ तक लेके गया हमारा F9 तक। तो F3 से लेके सेमीकोलन का निशान यूज़ करेंगे यहाँ पर और F9 तक एंटर प्रेस करेंगे, तो ये इसका टोटल आ जाएगा 175। या आप इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, जैसा कि हमने इसको यूज़ किया और ये आपका ऑटो सम का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे तो भी ये फॉर्मूला यहाँ पर ऑटोमेटिक लगा देगा। ये सम का फॉर्मूला होता है टोटल लगाने के लिए। अब हमें ये तो टोटल लगा लिया, अब हमें कोई कह दे भी आपको केवल एज का जो आदमी है ए नाम का, उसके पॉइंट्स आपको काउंट करने हैं, तो कैसे यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं शॉर्ट एंड फिल्टर का। तो शॉर्ट एंड फिल्टर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जो हमारी हेडिंग होती है उसके ऊपर हमें यूज़ करना होता है। तो जैसा कि हमने सीरियल नंबर, नेम और पॉइंट्स है, ये हमारी हेडिंग है, तो यहाँ पर जाएंगे और उसके बाद के अंदर हमारा इसी होम टैब के अंदर ऑप्शन आ जाएगा एडिटिंग के अंदर शॉर्ट एंड फिल्टर का। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा आपके पास में फिल्टर का। अब फिल्टर के अंदर हमें कौन सा नाम सर्च करने के लिए बोला गया था, ए का, इस सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी नाम आपके इसके नेम की लिस्ट के अंदर होंगे वो सारे के सारे यहाँ दिखा देगा। अब आपको केवल एक चाहिए, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट आल पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद ए पर सिंगल क्लिक कर दीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। जैसे हम क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास में खाली ए के नाम रहेगी, जिसके अंदर 10, 25, 30, 40 के पॉइंट हैं। तो अब हमें यहाँ पर इसके पॉइंट को टोटल लगाना है। तो अब इसका अगर हम टोटल यहाँ पर लगाएं, बराबर सम इक्वल का निशान और उसके बाद में टोटल, यहाँ से हम इसकी रेंज देते हैं, तो आप देख सकते हो इसका टोटल आ गया हमारे पास में
175। अब ए का भी 175 आ रहा है, और इसके अलावा जो तीन दो नाम और थे बी और सी, उन सभी का मिला के देखें तो भी 175 आ रहा है। तो ये ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अगर हम इसकी सिंगल सिंगल की अगर हम काउंटिंग करें 10 की, 25 की, 40 की, यानी कि 30, 40, 30, 70, 80, 80 और 20, 100 और 5, यानी कि टोटल कितनी होगी 105, जबकि यहाँ पर टोटल दिखा रहा है 175। तो अब इस जगह हमें टोटल फॉर्मूला यूज करना होता है सब टोटल का। तो सब टोटल का यूज आपको किस तरीके से करना है, इसको मैं एक बार हटा देता हूं। तो अगर आप फिल्टर का यूज करते हो और उसके बाद अगर आपको टोटल चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने ये जो टोटल लगाया था 175 वाले का, इसको हम यहां पर हटा देंगे। अब इसकी जगह हम क्या यूज करने वाले हैं, सब टोटल का। अब सब टोटल का फॉर्मूला किस प्रकार से यूज करेंगे, इक्वल का निशान सब, तो जैसे हम एसयू भी लिखेंगे तो आप देखोगे लास्ट के अंदर सब टोटल भी आ जाएगा नीचे। तो सब टोटल पर हम क्लिक करेंगे, और उसके बाद के अंदर आपके पास कई ऑप्शन आगे पूछेगा भी सब टोटल आप किस चीज़ का लगाना चाहते हो, एवरेज का लगाना चाहते हो, काउंट का लगाना चाहते हो, काउंटाई का लगाना चाहते हो, टोटल का लगाना चाहते हो। तो हमें तो केवल जोड़ करना है, इनका जोड़ करने का मतलब क्या हो गया, सम करना है। तो ये हमारा इसका 9 नंबर इसका कोड है। तो आप चाहे तो इसके ऊपर क्लिक कर दो, चाहे आप 9 टाइप कर दो, और उसके बाद में आपको कॉमा यूज़ करनी है, और उसके बाद आपको यहाँ पर रेंज बतानी है कहाँ से लेके कहाँ तक का टोटल आपको यूज़ करना है। यानी कि आप चाहे तो F3 से लेके F9 तक आप टाइप कर सकते हो, या फिर इसको सेलेक्ट कर लो, और हम इसको सेट ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे। तो टोटल तो अभी भी आपका 175 ही आ रहा है, और 175 ही रहेगा। अब हम सेलेक्ट करते हैं ए को। तो जैसे हमने ए को सेलेक्ट किया, आप देख सकते हो टोटल इसका ऑटोमेटिक चेंज हो गया, 105 आ गया। जैसे आप ए को हटा के बी को सेलेक्ट करोगे, तो बी के अंदर जितना रिकॉर्ड है वो आपका यहाँ पर दिखा देगा। इसी तरीके से अगर आप बी को हटा के सी को देखोगे, तो सी के अंदर जितना भी टोटल है वो आपका टोटल यहाँ पर ऑटोमेटिक लगता रहेगा। तो यानी कि अब बात ये आ जाएगी भी जहाँ अगर आपको इस टाइप की शॉर्ट एंड फिल्टर की ज़रूरत पड़े, वहाँ पर हमें टोटल का यूज़ नहीं करना है, वहाँ पर हमें यूज़ करना है किसका, इस फॉर्मूले का बराबर सब टोटल वाले का, ताकि हमारा रिकॉर्ड इजी हमें समझ में आ जाए। अब हम चलते हैं शीट वन पे। तो अब हमारे पास जैसे पार्टी का नाम, GST नंबर, इन वो स्टेट वगैरह सब कुछ है, लेकिन इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो ये देखना है भी पार्टी वाइज हमें टैक्स है जो कितना इसका ITC हमें मिला है। तो सबसे लास्ट में चलते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर इसका टोटल लगा हुआ है, तो इस टोटल को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि ये टोटल बराबर सम करके लगा हुआ था, और हमें फिल्टर की यूज़ पड़ेगी, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, सब टोटल का। तो अब सब टोटल का यूज़ किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले हम इस पे लगा के देख लेते हैं, बराबर सब टोटल, और उसके बाद में 9 और कॉमा। अब इसकी हमें रेंज बतानी पड़ेगी, तो रेंज हमारी क्या रहने वाली है, एल वाला कॉलम है हमारा। तो अब ये लास्ट कॉलम हमारे पास कितने नंबर तक आ रहा है, 251 का। तो यानी कि हम क्या करेंगे, एल 251 से लेके एल 2 तक, यानी कि ऊपर तक का, और ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो ये हमारा टोटल आ जाएगा। अब इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर इधर कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब ये हमारा आ गया। अब इसको अंदर हम क्या करते हैं, एक बार इसको थोड़ा सा कलर कर देते हैं। अब ये तो आ गया सब टोटल हमारे पास, हमें इतना ITC मिला है, लेकिन अब ये सभी पार्टी वाइज अगर हमें देखना हो, तो हम क्या करेंगे, पार्टी वाइज पे जाके फिल्टर का यूज़ करेंगे। तो फिल्टर का यूज़ करने के लिए हेडिंग पर क्लिक करेंगे, शॉर्ट एंड फिल्टर पर हम जाएंगे, और फिल्टर पर हम सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे फिल्टर पर क्लिक करेंगे, तो इस टाइप के ये फिल्टर के निशान यहाँ पर आ जाएंगे। अब हमें इस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल को हम हटा देंगे। अब इसके बाद जिस पार्टी का भी हमें ITC चेक करना है, इस पर टिक करो, और देन ओके पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम इसके ऊपर ओके पर क्लिक करेंगे, तो केवल उसी पार्टी का रिकॉर्ड हमारे पास रह जाएगा। अब उसके ऊपर रिकॉर्ड रह जाएगा, तो जैसे हम उस रिकॉर्ड पर जाएंगे, तो उस पार्टी से जितना हमें ITC मिला है उसका टोटल यहाँ आ जाएगा, क्योंकि वो टोटल अलग था। अब ये जो टोटल आ रहा है ना, ये टोटल आपके स्क्रीन पर जितना डाटा शो होगा उसी का टोटल ये शो करेगा। इसी तरीके से जैसे जैसे हम पार्टी को सिलेक्ट करते जाएंगे यहाँ से, वैसे वैसे आपका ITC आपको यहाँ से चेक होता रहेगा। जैसे मान लीजिए हमने इसको हटा दिया, उसके बाद में इस पार्टी का हमने सेलेक्ट कर लिया, ओके पे क्लिक कर लिया, और इसके बाद भी इस पार्टी का देखा, तो इस पार्टी से हमें इतना इतने का ITC मिला। यानी कि अब आपको बारी बारी
टोटल लगाने की जरूरत नहीं है, टोटल अब आपका ऑटोमेटिक नीचे लग रहा है। अब ये टोटल आपका इसी कॉलम का लग रहा है, केवल जो स्क्रीन पर आपको जो दिखाई दे रहे हैं ना, इसी का ही टोटल लगा है। तो अगर हम इसको चेक करना चाहें भी टोटल कहाँ से लगा है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ इस ब्रैकेट को क्लिक करेंगे तो हमें ये सिलेक्ट कर देगा। हम इसको एक बार यहाँ से कलर कर देते हैं अलग से, यानी कि अब इसने हमने इसको कलर को कर दिया जिस जिसका इसने टोटल लगाया है। अब हम क्या करेंगे, फिल्टर को हटा देंगे वापस और इस पर फिल्टर पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिल्टर हट गया। लेकिन अब हम जो जो आप ये जो कलर देख रहे हैं ना, अब ये वही पार्टी है जिसको हमने सेलेक्ट किया था और उन सभी का टोटल वहाँ पर वही दिखाया था। जैसे हमने फिल्टर को हटा दिया, वैसे वैसा सारा का सारा हमारा ये सब टोटल है जो पूरे के साल के जितने भी हमारी पास पार्टियाँ थी उन सभी का रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो ये था हमारा सब टोटल का। अगर हम करेंगे सम का टोटल, तो जैसे सम का टोटल करेंगे तो सम के टोटल के अंदर जो आपकी हिडन रो है उसका भी टोटल ये साथ में कर देगा, तो आपके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, आप मैच करते रह जाओगे, आपका रिकॉर्ड मैच नहीं करेगा। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात यही ध्यान में रखनी है कि अगर आपको रिकॉर्ड आपके पास काफ़ी बड़ा है और आप फिल्टर करके यूज़ करना चाहते हो उन सभी फंक्शन को, पार्टी वाइज चेक करना चाहते हो या फिर जीएसटी नंबर वाइज आप सर्च करना चाहते हो या मंथ वाइज आप चेक करना चाहते हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको करना क्या है, सम का यूज़ नहीं करना, सब टोटल का यूज़ करना है। जैसे कि आप इस पर क्लिक करोगे, फिल्टर लगाया, अब इसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगी, मंथ वाइज आ जाएगी। अब आप चाहो भी 2021 के अंदर टोटल आपके पास आईटीसी कितना था, तो 2021 पे क्लिक कर दो तो खाली ये 2021 का रिकॉर्ड आपको दिखाई देगा। और 2021 के अंदर जैसे हम लास्ट में जाएंगे तो अब ये जो टोटल आया ना, ये आपके टोटल 2021 के ही रिकॉर्ड है, दिसंबर तक का, अप्रैल से लेके दिसंबर तक का रिकॉर्ड का टोटल लगाएगा। तो इस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सब टोटल और टोटल का यूज़ करेंगे। तो जैसा कि हमने सबसे पहले इसको इजी रूप से समझने के लिए हमने शीट नंबर 3 को यूज़ किया था। अब इसका अगर हम टोटल फिल्टर को अगर हम हटा देते हैं, हमने फिल्टर को हटा दिया तो आप देख सकते हो टोटल 175 आ गए। अब इसके बीच के अंदर अगर हम कोई और इंसर्ट करना चाहें रो, तो इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी आप रो कर लो जहाँ पर भी आपको इंसर्ट करना है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर ए और जोड़ दिया और उसके बाद के अंदर मैंने इसका सीरियल नंबर हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं और इसको ड्रैग कर देते हैं नीचे तक। अब उसके बाद में यहाँ पर हमने 100 और 200 ये लगाया, तो टोटल आप देख सकते हो टोटल इसका चेंज हो गया। अब हम जैसे इसके ऊपर फिल्टर यूज़ करेंगे, फिल्टर का यूज़ करने के लिए शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएंगे। अब आप एक का यूज़ करके देखो, खाली एक को यूज़ करो तो खाली एक का आपका टोटल आएगा 405, न कि पूरा आपको दिखाएगा। और अगर बी दो साथ में लेना चाहते हो तो ये दोनों का टोटल आपको 420 दिखाएगा। अगर कोई डाटा अगर आपका चेंज होता है तो चेंज होकर साथ दिखाएगा। सी तीनों सेलेक्ट करोगे तो फिर तो पूरा रिकॉर्ड आ ही जाएगा 475 का। अगर केवल सी का देखना है या एक का देखना है, जितने का भी आप रिकॉर्ड देखना चाहोगे उतने का रिकॉर्ड आपको यहाँ पर शो करेगा। ये है सब टोटल फॉर्मूले की पावर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है इस ट्रिक से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर लेना, क्योंकि इसी टाइप की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेगी।